बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज जो डेट है वो है 22 जून, जी हाँ 22 जून है आज। निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं तो 23,501 के आसपास की क्लोजिंग है, 65 पॉइंट्स की गिरावट है 0.28% की। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 51,660 के आसपास की क्लोजिंग है, 121 पॉइंट्स की मामूली गिरावट है 0.24%। होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 14 होल्डिंग्स है मेरे पास। यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टेड वैल्यू की बात करते हैं तो 221,714 है। करंट वैल्यू की बात करते हैं तो 224,074 रुपीज़ के आसपास है। टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो 2,360 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 1.06% की तेजी है। और एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो -26 रुपीज़ डाउन है 0.01%। अब बात करते हैं पावर ग्रिड इंफ्रा की तो यहाँ पे 900 शेयर्स है मेरे पास, 1,161 रुपीज़ अभी भी डाउन है, 1.33% की गिरावट है। पॉलीकैब इंडिया की बात करते हैं इसके अंदर अच्छी खासी तेजी है, 76% के पॉजिटिव रिटर्न है, 9,214 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न है। एंजल वन की बात करते हैं यहाँ पे भी मेरे पास 8 शेयर्स है यहाँ पे 5,634 रुपीज़ के नेगेटिव रिटर्न है, 21% की गिरावट है। ACL टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं यहाँ पे 10 शेयर्स है मेरे पास, यहाँ पे 834 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न है, 6% के आसपास की तेजी है। ITC की बात करते हैं 33 शेयर्स है मेरे पास, 531 रुपीज़ अभी भी डाउन है, 3.5% की गिरावट है। HUL की बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 5 शेयर्स है मेरे पास, 131 रुपीज़ अभी भी डाउन है, 1% के आसपास की गिरावट है। HDFC लाइफ की बात करते हैं यहाँ पे 20 शेयर्स है मेरे पास, यहाँ पे भी 6.5% डाउन है, 7-800 रुपये यहाँ पे भी गिरावट है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है, 79 शेयर्स है मेरे पास, 135 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न है। नेस्ले इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 शेयर्स है मेरे पास, 165 रुपीज़ अभी भी डाउन है, 1.60% की गिरावट है। राइट्स की बात करते हैं तो 10 शेयर्स है मेरे पास, यहाँ पे 21% के शानदार पॉजिटिव रिटर्न है, 1,273 रुपीज़ की पॉजिटिव रिटर्न है। HDFC बैंक की बात करते हैं यहाँ पे शानदार तेजी हुई, सारे के सारे लॉस को रिकवर करके 4 शेयर है मेरे पास, 332 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न है, 5.5% की तेजी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये डाउन है अभी भी, 16% के आसपास की गिरावट है, 1,014 रुपीज़ की गिरावट है। निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT की बात करते हैं यहाँ पे 3% के आसपास 2.5% के आसपास की तेजी, 52 पॉइंट्स की तेजी है। IOCL की बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तो यहाँ पे 11 शेयर से मेरे पास, ज़्यादा है नहीं क्वांटिटी, 61 रुपीज़ के नेगेटिव रिटर्न से 3.5% की गिरावट है। तो ये रहा पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, देखिए ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, या मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।